ऐसे ऐसे पाठ आठ कक्षा छ हिंदी के प्रश्न उत्तर। किसके ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें। प्रश्न नंबर एक। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये चित्र आप अपने आप बनाएंगे। प्रश्न नंबर दो। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? इसका उत्तर, माँ का घबराना स्वाभाविक था, यानी कि घबराहट तो हो ही जाती है, तो माँ तो घबराएगी ही, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, यानी कि कितनी ज्यादा होगी जो यह रोज ही ऐसे ऐसे करने लगा है। इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तो इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न नंबर तीन। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? मास्टर जी कौन? जो आपके अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं। तो उत्तर, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहाँ जाना, शादी में जाना, माँ की बीमारी का बहाना, इत्यादि। आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा शायद जो इस तरह के बहाने करके स्कूल से छुट्टी करना चाहता होगा। तो मास्टर जी से बच्चे किस टाइप के बहाने लगाते हैं, जो आपने अभी अभी पढ़ा। प्रश्न नंबर चार। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? यानी कि जब आप हमेशा झूठ बोलते रहते हो और एक बार सच भी कहते हो तो कोई यकीन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका उत्तर, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि उसका तो जो बहाना बना रहा होगा उसकी वो तकलीफ तो बढ़ ही जाएगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, उससे उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर पांच। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? तो क्या है, पहले तो इनके नंबर और दूसरा इनसे हम कैसे बात कर सकते हैं। संकट के समय पुलिस,
फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस का नंबर 100 यानी कि 100, फायर ब्रिगेड का 101 यानी कि 101, एम्बुलेंस का 102 यानी कि 102। हमें अब बात कैसे करनी चाहिए, हम पुलिस फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से नम्र स्वभाव से यानी कि बहुत पोलाइट होकर करेंगे बात, नम्र स्वभाव में प्रार्थना करेंगे यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें घर का पता बता देंगे। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम स्कूल का काम ना करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो? सोचो कि बनाते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर कुछ बच्चे हाँ भी सोच सकते हैं और कुछ ना भी सोच सकते हैं, तो लेकिन हमने यहाँ पर नहीं सोचा है। तो उत्तर नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं कर पाने पर कोई बहाना नहीं बनाता, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। क्या है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। अब हम करेंगे अति लघु यानी कि बहुत छोटे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? तो उत्तर, मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। क्या खाया था, केला और संतरा। प्रश्न नंबर 2, वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? वैद्य जी कौन होते हैं पहले तो बताओ, डॉक्टर। वैद्य कौन होते हैं, डॉक्टर। तो उत्तर, मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। कौन बुलाकर लाए थे, पड़ोसी। प्रश्न नंबर 3, वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा? तो इसका उत्तर, वैद्य जी मोहन को देखकर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। किस चीज की कोई बात नहीं, घबराने की। प्रश्न नंबर 4, मोहन ने क्या बहाना बनाया? तो आपने पहले भी पढ़ा है ना कि क्या बहाना बनाया था उसने, मोहन ने स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? पता है ना आपको कि था या नहीं था, नहीं। उत्तर क्या आएगा इसका, नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, वह केवल बहाना कर रहा था। प्रश्न नंबर 6, मोहन की हालत देख माँ क्यों अधिक परेशान थी? उत्तर, मोहन की हालत देखकर मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, जो अक्सर घरों में क्या करते हैं, पेट दर्द होने पर दे देते हैं, पर मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह बार बार कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, इसलिए वह सोच में पड़ गई थी कि उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है। प्रश्न नंबर 7, मोहन की माँ क्यों कहती है हंसी की हंसी दुख का दुख? उत्तर, मोहन कहता है
कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ हंस पड़ती है और परेशान भी होती है। वह बेटे के दुख से दुखी होती है। इसीलिए मनस्थिति में वह कहती है कि हंसी की हंसी दुख का दुख। यह उसे अजीब बीमारी लगती है क्योंकि उसको भी माँ जो होती है ना, उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको हंसी भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कहीं सच तो नहीं बोल रहा है, तो दुख भी हो रहा है। तो दोनों ही बातें उसे लग रही है। तो आज आपने क्या पढ़ा था? ऐसे ऐसे, जिसमें एक बहाना बनाया गया एक बच्चे के द्वारा। तो आज हमने जो पढ़ा उसको हम लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।